चीजों का ऊपर जो है हमारा कंट्रोल है, और आवाम का आपको मालूम बलूचिस्तान का जितना लोग है इधर शाही किले पर आता है, सबका फैसले खूनी खूनी फैसले इधर ही हो रहा है, अलहमदुल्ला आवाम का खिदमत हो रहा है अलहमदुल्ला। बात यह नवाज सनाउल्लाह खान ज़ियारी इधर बहुत बार इधर ही आए, हमारा उसका भाई बंदी था, ताल्लुक था, हम नवाब सनाउल्लाह खान ज़ियारी किसी टीम इधर आया न, हमको बोला मुस्लिम लीग में आ जाओ, बोला नवाज साहब हम देखो नवाज शरीफ तो दूर है, हमारा और आपका एक ताल्लुक है, बलूचिस्तान का दोनों नवाब है, तो आप मेहरबानी करो हमको मुस्लिम लीग में इज्जत देना है, हमको लालच वाला लोग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह पाक बहुत दिया है। तो सरदार सनाउल्लाह पहले हमारा साथ बहुत अच्छा था, जिस टीम वजीर आला बन गया तो हमारा सलाम को भी वालेक नहीं किया, सरदार सनाउल्लाह अपने को सेट किया, हमको छोड़ दिया, तो मजबूर होकर हमने भी साइड हो गया सर। सर पहले दिनों में हमारा साथ थावन था, इसको वजीर आला नहीं था, उससे बाद साहब हम दो तीन और आदमी भेज दिया सरदार साहबों को टीम देव के साथ मुलाकात करे, तो खास वो रुक नहीं दिया, फिर भी हम भी कबायली नवाब है, बस हम भी एक साइड हो गए, हम बोला भाई हमको अगर उसके सामने कोई लिफ्ट नहीं है तो हमको भी इतना जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खुद नवाब अपना जिंदगी चलाता हूँ इंशाल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हम खुद हमारा कबायल अपना कौम के साथ हमारा लड़ाई, आपको मालूम है 15 से 20 आदमी इस टीम शहीद हुआ है, वो भी हमारा लोग है, तो इस लड़ाई को किसने भड़काया है वो सबको मालूम है, जो हमारा कौम में हाउस सरबरा भी है उसने इस लड़ाई को भड़काया, कौम को छोटा छोटा कर, शामानी कौम जो है आपको मालूम है क्वेटी सिटी या मस्तूम गुजदार कला था चौब किधर तक पहला हुआ है बड़ा कौम है, तो हम शामानी कौम दूसरा मुतहद कबा के लोगों के लिए बड़ा खिदमत करता था, तो हम अभी अपना लड़ाई में फंसा हुआ था अलहमदुल्ला, दूसरा हमारा कौम या दूसरा कौम अभी भी आ रहा है, इधर जितना खूनी तनाज है शाही किले में हम सबको दिन रश है इधर। बात यह अभी आपको मालूम है बिरावी एहतियात बनाए सिंध में, वो हम फोन भी किया उसका चेयरमैन, लोग फोन करा कि आप भाई बलूचिस्तान मुतहद कबाइल का चेयरमैन है, आप ऐसा करो सिंध में भी आ जाओ हमारा साथ थावन करो, ताकि ये एहतियात को भी हम मजबूत करें बिरोही एहतियात को, तो हमारा अभी तैयारी है सिंध की तरफ इंशाल्लाह, उस एहतियात के साथ भी हमारा मुलाकात होगा, उसके साथ भी हमारा तावन होगा, उस लोगों का हमारा साथ तावन होगा इंशाल्लाह, सिंध वाला बिरोहियों को भी मजबूत इंशाल्लाह करूंगा इंशाल्लाह। आप आजकल तो सोशल मीडिया आपको मालूम है, तो एक दिन आपको मालूम होगा 20 दिन 1 महीने में हमारा तैयारी सिंध की तरफ है इंशाल्लाह, उसके साथ जाऊंगा, शमूलियत भी करूंगा और उधर एहतियात को मजबूत भी करूंगा, क्योंकि हमारा शावानी कौम भी उधर बहुत है सिंध में, हर इलाके में सिंध का हैदराबाद में जाम शोरो में जैसा लाड़काना में हर इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग इसीलिए हमको मांगे कि आप आ जाओ ताकि हमारा एहतियात मजबूत हो जाए, तो इंशाल्लाह हमारा तैयारी है। और अगले प्रोग्राम के लिए खबरदार न्यूज टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।